नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और टैली के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेक्चर नंबर 1 से वीडियोस को देखें, ताकि उनको सारी चीज़ टैली के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे लेजर क्रिएशन के बारे में कि टैली में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेजर क्रिएशन के बारे में कि टैली में हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे टैली में चलते हैं। दोस्तों, सेकेंड स्टेप है हमारा लेजर क्रिएशन, यहाँ पर दिया हुआ है। लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। दोस्तों, लेजर्स क्या होते हैं आइए एक बार हम लोग समझ लेते हैं। असाइनमेंट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, ये असाइनमेंट है हमारा, ये असाइनमेंट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए लगाता है, बैंक में कुछ डिपॉजिट करता है 2 लाख रुपए, ज़रूरत पड़ने पे 1 लाख रुपए बैंक से विड्रॉल कर लेता है, 50,000 का सामान खरीदता है, 1 लाख रुपए का सामान बेचता है, वेजेस यानी मजदूरी पे करता है 500 रुपए की, सैलरी पे करता है 10,000 रुपए, रेंट पे करता है 500 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है 1,000 रुपए और टेलीफोन बिल पे करता है 500 रुपए। अब दोस्तों, ये मान लीजिए हमारे ये जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, यही हमारे कंपनी में लेजर्स कहलाते हैं। तो इन लेजर्स को हमें क्या करना है, कंप्यूटर पे सेकेंड स्टेप जैसा कि मैंने बताया लेजर क्रिएशन, तो टैली के अंदर हमें इन लेजर्स की एंट्री करनी होगी। दोस्तों, इन लेजर्स की एंट्री करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक लिस्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों, इस लिस्ट में लिखा हुआ है आपका ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, आइटम्स कौन सा लेजर है, लेजर के नाम और अंडर ग्रुप, कौन से लेजर का कौन सा ग्रुप होगा। दोस्तों, जब हम टैली में वर्किंग करते हैं तो जितने भी लेजर होते हैं उनका कुछ पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग टैली के अंदर उस लेजर का एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये अंडर ग्रुप्स डिफाइन किया हुआ है, अगला आपका वाउचर डिफाइन किया हुआ है, नेक्स्ट इसके आगे आपकी शॉर्टकट की डिफाइन की गई है। तो दोस्तों, अभी लेजर क्रिएशन करते समय आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेजर क्रिएट करते समय दोस्तों, आप लोगों को अंडर ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, ये लिस्ट मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, ये लिस्ट आप लोग देख लें, इसको लिख लें कॉपी पे, इस लिस्ट की आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे हमने बोला कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल का जब हम लेजर बनाएंगे तो इसका अंडर आपका कैपिटल अकाउंट होगा। बैंक कोई भी नाम हो, बैंक का नाम लिखेंगे, अंडर बैंक अकाउंट होता है। दोस्तों, एक्सपेंसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम डायरेक्ट एट अ टाइम पे कर देते हैं, या जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के एक्सपेंसेस होते हैं वे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे आपका वेजेज है दोस्तों, वेजेज हम लोग तुरंत पे कर देते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत डाला हुआ है। सैलरी है, सैलरी हम लोग पूरा साइकिल मेंटेन करके मंथ के बाद पे करते हैं, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। इसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सभी चीज़ें आपके फिक्स असेट्स होते हैं। ये हमारा ओपन हो गया दोस्तों, ये गेटवे ऑफ टैली है, कंपनी हमारी ओपन है हीरो एंड कॉम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था कंपनी, इसी में आगे अब हम लोग लेजर्स बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए जो स्टेप्स हमने बताए थे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इसके बाद से लेजर पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक फॉर्म खुल के आ जाता है, और इस फॉर्म पे हम लोग दो चीज़ें दोस्तों मेन होती हैं, एक तो लेजर का नेम और दूसरा उसका अंडर, कि ये लेजर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ ये दिए गए हैं, ये जो असाइनमेंट दिया गया है इसके लेजर्स बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल है, इसके बाद से आपका बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल का लेजर है। तो दोस्तों डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लेजर के लिए सिर्फ एक ही लेजर बनता है और उसी से दोनों एंट्री होती है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उससे आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, तो लेजर एक ही बनेगा, डिपॉजिट विड्रॉल की एंट्री अलग अलग होगी। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं लेजर बनाना। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का अंडर आपका कैपिटल अकाउंट देखिए दोस्तों, जैसे ही हम अंडर पे जाएंगे इधर आपकी ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी पूरी यहाँ पे साइड में, राइट साइड में, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स दिए रहेंगे। इसमें से हमें चूज करना होता है कि जो लेजर हम बना रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये कैपिटल अकाउंट को बिलोंग करेगा, एंटर करेंगे, यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स सारी दी गई हैं, इसको एंटर करते हुए सेव करके अगेन नेक्स्ट लेजर पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है बैंक से डिपॉजिट का और विड्रॉल का, तो एक ही लेजर बनेगा। जैसे हमने ले लिया ICICI बैंक, एंटर, बैंक हमारा बैंक अकाउंट होगा दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए बैंक अकाउंट ले लिया हमने। और जैसे ही बैंक अकाउंट लेंगे वैसे ही तुरंत यहाँ पे हमारे बैंक से पूरी डिटेल्स ये पूछने लगेगा कि बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, ये सब सारी चीज़ें हमें देना होगा। तो ये एंटर कर देंगे दोस्तों, जब हम कहीं पे प्रोफेशनल वर्क करेंगे तब ये सारे डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप लोग ऐसे स्किप करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट लेजर है हमारा परचेज का, परचेज का अंडर परचेज अकाउंट होता है दोस्तों। यहाँ पे पी फॉर परचेज, पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट में देखिए पी वाले एक्टिव हो गए। इसमें से परचेज आप अप डाउन एरो की के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करके अगेन इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हमारा अगला लेजर है सेल्स का, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का अंडर सेल्स अकाउंट होता है दोस्तों। एस प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स अकाउंट राइट साइड से चूज करेंगे, एंटर करेंगे और ये हमारा सेल्स का लेजर बन गया। अब अगला लेजर देख लेते हैं क्या है। सेल्स के बाद आपका वेजेस है, देन सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और टेलीफोन बिल है। वेजेस, वेजेस दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होता है, यहाँ से ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखिए लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट में जाइए, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वापस आ गए और एंटर करेंगे, एंटर करते हुए सेव कर देंगे इसको। दोस्तों बाकी डिटेल्स को अभी येस या नो नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। सभी ऑप्शंस के बारे में आगे धीरे धीरे आप लोगों को नॉलेज दी जाएगी। वेजेस के बाद था हमारा सैलरी, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होता है दोस्तों। आई प्रेस करेंगे, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज कर लेंगे, एंटर। सैलरी के बाद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही होगा। इसके बाद बस दोस्तों ये लेजर बन गया आपका। दोस्तों लेजर बनने के बाद अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम लोग वापस आएंगे यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और यहाँ से ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर में जाके दोस्तों यहाँ से हम लेजर को देख सकते हैं, जैसे कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। और अगर दोस्तों कोई गलती होती है लेजर में
तो यहीं से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर लेजर में कोई गलती हो रही है तो हम लेजर के ऑल्ट्रेशन में जाके यहाँ से कोई भी लेजर ठीक कर सकते हैं। एंटर करेंगे, जैसे दोस्तों मान लीजिए इसका नाम कुछ चेंज हुआ है, जैसे हमने अकाउंट नहीं लगाया, तो यहाँ पे जाएंगे, ये हमने अकाउंट लगा दिया, ग्रुप चेंज करना है, यहाँ से ग्रुप चेंज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा, मैं चेंज नहीं करता हूँ। एंटर करेंगे, एंटर करके अगेन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा लेजर में जो भी एडिटिंग होगी वो हमारी परफॉर्म हो जाएगी। तो ये सारे लेजर हम यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो दोस्तों ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब लेजर क्रिएट करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका ये वाउचर एंट्री का आता है दोस्तों, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं टैली में। टैली को दोस्तों बंद करना होता है, तो कैसे बंद करेंगे, इसको स्केप बटन जो हमने बताया था वापस आने के लिए प्रेस करेंगे, तो हमसे पूछेगा क्विट करना है या नहीं। एंटर प्रेस कर देंगे या यस पे क्लिक कर देंगे, टैली हमारी क्लोज हो जाएगी। मेरे चैनल को देखते रहिए, और ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को सर्च करने के लिए टैली बाई विष्णु सर YouTube.com पे लिखें, और इससे मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचेगा जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं, जिससे कि किसी न किसी माध्यम से किसी की मदद हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।